हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ, जैसे कि मैंने अपनी शॉर्ट्स पर डाला था, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम जो देखने वाले हैं वो है, उसका बेसिक जो टाइटल है वो है पावर ऑफ जूम, और या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं यू एंड द यूनिवर्स। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे यूनिवर्स से कितना हम मतलब पावर देखेंगे, कि जूम की कितनी पावर है और हम जूम करके कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अगर हम सैटेलाइट से भी जूम करें या जहाँ मतलब टॉप ऊपर तक जाकर भी जूम करें, हम मतलब जितना एंड तक जूम कर सकते हैं वहाँ तक जूम करेंगे और देखेंगे कि हम क्या कहाँ तक देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्लाइड्स बना कर रखे, लेट्स गो। तो यहाँ पे जूम लिखा हुआ है, देन पावर ऑफ 10 फ्रॉम माइक्रो टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस इज अ ट्रिप एट हाई स्पीड जंपिंग डिस्टेंसेस ऑफ फैक्टर 10। इसमें हम लोगों को इक्विवेलेंस मिलेंगे 1 मीटर से लेकर 1000, मतलब जितने भी माइक्रोस्कोप्स होंगे उनके टोटली जूमिंग करके हमें दिखाई देगा। उसके बाद एक भी पढ़ लेते हैं, लेटर लेट्स लर्न अ लिटल फास्टर अप टू द पॉइंट वेयर वी स्टार्टेड एट कंटिन्यू अवर ट्रिप इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिड्यूसिंग डिस्टेंसेस ऑफ ट्रेवल। मतलब इसमें क्या करेंगे, हम छोटे से लेके बड़े तक को हर एक चीज़ को जूम करके देखेंगे अपने यूनिवर्स का। लेट्स गो। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये जो है, ये है 10^0.01 meter। ये है डिस्टेंस ऑफ अ बंच ऑफ लीव इन द गार्डन। एक गार्डन में जो लीव्स हैं उनका इन्होंने जूम करके बताया है। देन अब उसके बाद 10^1, यानी कि 10 मीटर्स में उसको थोड़ा सा कम जूम करा गया। उसके बाद ये दिखाया गया कि ये जो उस लीव्स का अपवर्ड का टाइप जहाँ से मैंने देखा, अब ये वो एरिया है, मतलब 100 मीटर्स दूर करा तो हमें वहाँ पे वो जगह देख रही है जहाँ से हमने लीव स्टार्ट करा था। एंड फिर उसको और थोड़ा कम जूम करा, मतलब वो पूरा जूम करके थोड़ा थोड़ा भी कम करते जाएंगे। देन 10^3, दैट इज़ 1 किलोमीटर। तो इसमें इन्होंने दिखाया कि उस एरिया को कवर करा जहाँ से हमने स्टार्ट करा था, वो कितना दूर जाके दिखता है हम अगर ऐसे देखें। देन ये जो है, ये इन्होंने सेटेलाइट से ली होगी, तो ये पूरी सिटी हम देख सकते हैं, उतने ही एरिया में पूरी सिटी आ जाएगी। पहले उन्होंने उसको उतना लिया था, तो उसको जैसे जैसे कम करते गए तो ये और ज़्यादा मतलब कम होता गया, पूरा जो है वो एरिया कवर कर रहा है। फिर उन्होंने ये सैटेलाइट से लिया है फ्लोरिडा यूएसए से, जिसकी हाइट आप देख सकते हो, हम यहाँ से फ्लोरिडा का यूएसए देख सकते हैं। देन टिपिकल साइट फ्रॉम अ सैटेलाइट 10^6, दैट इज 1000 किलोमीटर्स। फिर 10,000 किलोमीटर्स 10^7, दैट इज नॉर्थ हेमिस्फेयर ऑफ अर्थ एंड पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, हम यहाँ साउथ अमेरिका देख सकते हैं। ओके, फिर उन्होंने जो जूम है उसकी पावर 10^8, जैसे कि 100,000 किलोमीटर्स कर दिए हैं, जिसपे कि हमारा पूरा अर्थ दिखता है। देन 10^9, 1 मिलियन किलोमीटर्स पे ये हमारा अर्थ दिख रहा है, जितने एरिया पे हमने उन लीव्स के वर्ष को देखा था। एंड देन यहाँ पे हमें दिख रहे हैं उसके ऑर्बिट्स। उसके बाद अगर हम 10^10 millions पर उसको जूम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें अर्थ की ऑर्बिट पहले दिखी, अब दिख रही है अर्थ जिस ऑर्बिट पर घूम रहा है, यानी कि जो ब्लू पार्ट है अर्थ का ऑर्बिट। उसके बाद है 10^11, दैट इज 100 millions kilometer। तो अर्थ और वीनस का हम जो देख सकते हैं ऑर्बिट्स, ये अर्थ का है एंड ये वीनस का है। उसके बाद और जूम जब उन्होंने किया 10^12, 1 billion kilometers, तो हम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स को देख सकते हैं, और जहाँ पे हमने वो स्टार्ट करा था उससे कितना दूर हम आ गए, मतलब आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा जूम करके हमने उस पर्टिकुलर एरिया को चूज़ करा, एंड देन उसको कम करते करते हम कहाँ तक पहुँचे। फिर एट दिस साइड ऑफ अवर ट्रिप कुड ऑब्जर्व द सोलर सिस्टम, इस पर हम पूरा सोलर सिस्टम देख सकते हैं। और 10^5 जब हम करेंगे 14, तो 100 billion kilometers आ जाएगा, द सोलर सिस्टम स्टार्ट्स लुकिंग स्मॉल। अब ये सोलर सिस्टम जो है हमारा वो कम छोटा दिखने लगा है। एंड फिर 10^15 करेंगे, दैट इज 1 trillion kilometers, द सन इज नाउ अ स्मॉल स्टार इन मिडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स, मतलब इन थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स के बीच में हम सन देख सकते हैं। अब 10^16 क्या है, दैट इज अ 1 light year, एट 1 light year द सन द लिटल सन स्टार इज वेरी स्मॉल, इसमें हम सन को देख सकते हैं कितना छोटा दिख रहा है। देन नेक्स्ट
10 raised to power 17, that is 10 light year. Here we will see nothing in the infinity. Ab infinity pe hum ja chuke hain, 100 light years, nothing, only stars and nebula hum dekh sakte hain. Is pe pura sun bhi nahi dikh raha, itni power ki thi unne zoom ki. Uske baad 1000 light years mein 10 raised to power 19, at this distance we started traveling the Via Laetica Milky Way. Ye well Milky Way aur hamari galaxy hai. 10 raised to power 20, 10,000 light years we continued our travel inside of Via Laetica. And 10 raised to power 21, we started reaching the periphery of Via Laetica. Then it's 1 million light years. इसमें हम distance देख सकते हैं सभी galaxies का, अलग अलग galaxies का. और हमने यहाँ से start करा था, इसको zoom करके देखेंगे तो हम वहाँ पहुँचेंगे. ये हमारे हैं 10 raised to power 23, 10 million light years, जिसमें कि हमारी galaxy यानी कि universe जो है पूरा empty दिख रहा है. Just we can see the galaxies over here and they are very, I can say बहुत सारी galaxies हमारी universe में present हैं. एंड आई डोंट थिंक सो अब ये ज़्यादा हो भी सकता है. 22, ओके ओके, अब ये बैक जा रहा है. मतलब कि ये जो स्लाइड थी ये मैंने ढूंढी है काफ़ी मुश्किल से ताकि मैं भी देख सकूँ. सो इन्होंने एट लास्ट तक 10 रेज़ टू पावर 0 से लेके 10 रेज़ टू पावर 21 किया, जिससे हमें जूमिंग की पावर पता चली जहाँ से हमने स्टार्ट करा था और जहाँ से हमने ख़त्म, मतलब स्टार्ट किया था हमने उस स्मॉल बंच ऑफ लीव्स से, एंड ख़त्म कहाँ पे हुआ, हमारी गैलेक्सीज के एंड पर. और व्हाट वी डू रिप्रेजेंट इन द यूनिवर्स, हमारी यूनिवर्स का हम सब कुछ दे, मतलब ये है कि पावर ऑफ जूम टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम हर एक चीज़ को इतने डीपली देख सकते हैं. अपवर्ड्स वी वेंट टू द पावर ऑफ 23 पावर्स तक हमने देखा इस ट्रिप में, जो हमने सारा चेक करा. And now we are going to dig inside of the leaves better in the inverse trip. अब हम उसके अंदर देखने जा रहे हैं, means the leaves के अंदर, जो हमने leaves देखी थी 10 raised to power 0, उन leaves के अंदर. We are arrived at our starting point. We could reach it in our with our arms. अब leaves के अंदर जा रहे हैं, that is 10 raised to power minus 1 centimeters. So ये हम अब एक leaf पे अगर हम इसके अंदर जाके देखेंगे कि अंदर leaf के क्या क्या होता है. These are the veins and you can say veins and arteries, xylem, phloem. The possible observe the structure of the leaf. ये तो structure है leaf की, ये उसकी vessel है. Next और zoom करा 1 millimeter. The cellular structure start showing. ये cellular structure start हो गया हमारा दिखना, ये उसकी vessel थी. उसके बाद और deep गए तो हमारे 100 microns the cell can be defined. You could see the union between them. अब इनके ये जो unions हैं जिनसे ये जुड़े हुए हैं हम वो भी देख सकते हैं जब हमने 10 raised to power minus की. ये है हमारे stomata. अभी आप देख सकते हो ये हमारे stomata होते हैं जो open और close होते हैं. तो ये और deep करा है इन्होंने 10 raised to power minus 5. हमारे chloroplast, the nucleus of the cell is visible. जैसे कि जहाँ पे हमारा सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, द मेन यू कैन से सेल ऑर्गेनली, इसके अंदर हमारे प्रेजेंट है एंगस्ट्रॉम्स. वी अगेन वी चेंज द मेजरिंग यूनिट ऑफ द अडेप्ट मिलोसिस साइज. यू कुड सी द क्रोमोसोम्स. अब हम उस क्रोमोसोम्स, जैसे हमारे ये डीएनए है, देखिए डीएनए चेंज, मतलब डीएनए चेन प्रेजेंट है हमारे लीव्स की, दैट इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 पे. उन्होंने जब इसको जूम करा तब और ज़्यादा डीप गए. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम्स की ब्लॉक्स दिख सकते हैं हमें. और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अपीयर्स क्लाउड्स. ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन एटम्स हैं. एंड माइनस 11 पे पिकोमीटर्स, इन दिस मिनिएचर वर्ल्ड वी कुड ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग द एटम्स. उसके बाद उन्होंने एटम्स दिखा दिया है. एंड 100 फोंटोमीटर्स एट दिस इनक्रेडिबल एंड मिनिसस साइज वी कुड ऑब्जर्व द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. नेक्स्ट दिस इज एन एटम. जब हमने 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 का जूम करा, उसके बाद और जूम करके हमें साइंटिफिक इमेजिनेशंस के प्रोटॉन्स दिखे. एंड और जूम करा तो और, मतलब यू नो लिमिटेशंस नहीं है. एंड नाउ आर यू द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, आर यू द स्पेशल क्रिएचर ऑफ द क्रिएशन, व्हाट इज बिहाइंड दोस लिमिट्स, आर देयर एनी लिमिट्स. नोट
that going downwards we could only go to the power of minus 16 of 10. जब हम नीचे की तरफ जा रहे थे तब हम सिर्फ 10 रेज टू पावर 16 तक ही जा सके माइनस में एंड रीच द नोन लिमिट्स ऑफ मैटर. बट अपवर्ड्स वी वेंट और ऊपर ज़्यादा टाइम हम 10 रेज टू पावर 23 तक पहुँच गए. नीचे हम सिर्फ और सिर्फ 10 रेज टू पावर 16 तक ही जा पाए लेकिन ऊपर ज़्यादा टाइम हम 10 रेज टू पावर 23 तक पहुँच गए थे. एक और चीज़ हमें जो पता चली कि जब हम नीचे डाउनवर्ड्स की तरफ जूमिंग कर रहे थे तो हमारी पावर माइनस में जा रही थी और जब हम ऊपर गए तो हमारी पावर प्लस नहीं थी, दैट इज 23. सो इससे हमें पता चला कि जो हमारा ये यूनिवर्स है वो डीपली भी बहुत ज़्यादा है और हमारा ऊपर का भी बहुत ज़्यादा है जिसको नापना. आई थिंक सो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा साइंस से स्टडी की थी नासा से जिसकी वजह से इनको इतनी ज़्यादा नॉलेज मिली एंड यही नॉलेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी. तो गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सून आई विल कम अप विद वेरी वेरी गुड वीडियोज़ एंड और मैं गाइस सोच रही हूँ कि मैं एक स्टोरी टाइम सीरीज़ भी स्टार्ट करूँ क्योंकि मेरी बचपन की स्टोरीज बहुत ही अच्छी और यू नो क्रेजी सी हैं. सो I would like to share those stories with you. So if you want to listen them, so just comment me down and I will go for it. So thank you so much for watching. Bye.